आगे बढ़ेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसके बाद राजकुमार वेरका को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इसके बाद राजकुमार वेरका ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफी वादे पूरे किए हैं और उन्हीं वादों को आगे ले जाया जाएगा, जो वादे बचे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका जी हैं, जिसे नई कैबिनेट में शामिल किया गया है। और डॉक्टर राजकुमार वेरका वो हैं जिन्हें कैप्टन सरकार के की अगर बात करें उस दौरान भी कैबिनेट रैंक दिया गया था। सर, नए मंत्रिमंडल में आपको भी शामिल किया गया है, आज कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज होना था, आज क्योंकि हमारा अंधाधुंध सड़कों पे है, उस वजह से हमने ये फैसला किया कि आज कोई भी सरकारी काम नहीं करेंगे। हम अपनी टोटल जिम्मेदारी निभाते हुए, किसान के साथ कंसर्न है हमारा, हम किसान के साथ खड़े रहेंगे। और जहां तक ये प्रोटोकॉल का सवाल है, डिपार्टमेंट बांटने का सवाल है, वो कल तक हो जाएगा। कैबिनेट में क्या कुछ चर्चा रही सर? कोई चर्चा नहीं रही, किसान का मुद्दा था, सिर्फ वही चर्चा, दूसरी कोई चर्चा नहीं। आज किसानों जो है हमारे सड़कों पे है, इसलिए सरकारी काम हमने कोई किया नहीं, इसलिए वो कल कर रहे हैं, कल हो जाएगा। और दूसरी बात ये मैं कह दूँगा कि हम सब दिन रात काम करेंगे, जैसे हम 8 घंटे पहले सोते थे, हम 4 घंटे सोएंगे, और किसान के जितने मसले उनको हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जितने इशू है हर मंगलवार जो मीटिंग होगी, जो भी जितने आपके माइंड में इशू हैं, वो हर मंगलवार के मंगलवार एक एक इशू डिक्लेयर करेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कितने चुनावी वादे पूरे किए? बहुत सारे, 80% उन्हीं ने वादे किए पूरे किए हैं, और उनके कामों को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर राजकुमार वेरका, जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। विभागों का बंटवारा इनका कहना है कि कल तक हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि एक तरफ तो जिस तरीके से जब नया मंत्रिमंडल बनाया जाना था उस दौरान जो बगावत है वो सुर काफ़ी तेज हो चुके थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना है उसको लेकर भी कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आई, और अब विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि कैबिनेट की बैठक आज ज़रूर बुलाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री है वो बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि विभागों का बंटवारा किस लिए नहीं किया गया है। नेटवर्क 10 के लिए कैमरामैन गणेश के साथ चंडीगढ़ से इक्षा ठाकुर।